एक समय की बात है जब सभी देवी देवताएं अपने ध्यान में व्यस्त थे, तब वहीं पर धरती माता गौ माँ का रूप लेकर आई। उन्होंने सृष्टि देवता से कहा कि हे नारद मुनि, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, धरती लोक पर बहुत ही पाप होए जा रहे हैं, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ इसका समाधान ढूंढने के लिए। जब धरती माँ ने सारी बातें बताई कि कैसे कंस धरती लोक पर पाप पे पाप किए जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा, ये तो बहुत चिंता की बात है, हम सभी को विष्णु भगवान जी के पास जा करके इसका समाधान खोजना ही पड़ेगा। धरती माँ और सभी देवी देवताएं विष्णु भगवान जी के पास जा पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि वह शेषनाग के ऊपर बैठ करके विश्राम कर रहे हैं। जब सभी देवी देवताओं ने उनका ध्यान लगाना शुरू कर दिया, तो विष्णु भगवान का ध्यान टूट गया। उन्होंने पूछा, आप सभी का यहाँ पे आने का क्या कारण है? तब धरती माता ने सारी दुख विष्णु भगवान को सुनाई। विष्णु भगवान ने कहा, यह तो बहुत ही चिंता भरी बातें हैं, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं बृंद मंडल में अपना रूप बदल करके जाऊंगा, आप सब वृंदावन में यादव कुल में जा करके अपना निवास कीजिए, मैं देवकी के गर्भ में से जन्म लूंगा और मैं ही कंस का वध करूंगा। सभी देवी देवताओं ने अपना रूप यादव कुल में साधारण व्यक्ति में बदल लिया। सब लोग वहां पर गए और एक दिन जब कंस अपनी ही बहन देवकी और उनके पति को लेकर के जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक ही एक बहुत ही बड़ा बिजली उत्पन्न हुआ। जब कंस ऊपर की ओर देखा, तो भगवान विष्णु स्वयं कह रहे थे कि मैं ही तुम्हारा वध करूंगा, जिस देवकी को तुम अपना कोठरी में काल निवास में लेकर के जा रहे हो, मैं उसी के गर्भ से जन्म लेकर के तुम्हारा वध करूंगा। जैसे ही कंस ने यह बात सुनी, उसने अपना तलवार निकाला और देवकी को मारना चाहा, लेकिन देवकी के पति ने कहा कि हे कंस, आप हमारी पत्नी को मत मारिए, जैसे ही हमारा पुत्र जन्म लेगा, हम उन्हें आपको सौंप देंगे, आप उन्हें मार दीजिएगा, लेकिन हमारी पत्नी को मत मारिए। कंस ने देवकी के पति का यह बात मान लिया और उस दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया। जैसे ही देवकी गर्भ से होती, कंस को यह सूचित कर दिया जाता था। जैसे ही उसके पुत्र का जन्म होता, वह सारे पुत्र को मार देता। सातों पुत्र को मारने के बाद भगवान विष्णु ने खुद ही स्वयं अपना अवतार लेकर के देवकी और उनके पति के सामने प्रकट हुए। देवकी ने और वासुदेव ने जैसे ही देखा कि यह भगवान विष्णु हमारे सामने स्वयं प्रकट हुए हैं, उन्होंने कहा कि देवकी, मैं आपके ही कोख से जन्म लूंगा, आपका आठवां पुत्र मैं ही होऊंगा और मैं ही आपके भाई का वध करूंगा। उन्होंने बहुत से पापे इस धरती लोक पर कर लिए हैं। देवकी ने भगवान विष्णु का बात सुना और जैसे ही उनका आठवां बच्चा जन्म लिया, भगवान विष्णु स्वयं जन्म लिए, तभी सारी काल कोठरी की दरवाजे खुल गए, सारी सिपाहियों को निंदा आने लगा। तब
वासुदेव ने उन्हें उठा करके और गंगा यमुना पार करके, वहाँ पर यमुना पार करने के बाद माँ यशोदा के पास उस बालक को छोड़ आए और उनकी पुत्री को अपने काल कोठरी में ले करके आ गए। जब सभी को होश आए, कंस को होश आए, कंस ने सूचित किया कि जाओ और उस बच्चे को लेकर आओ, लेकिन सबने कहा वह तो पुत्री है। कंस ने जैसे ही उस पुत्री को मारना चाहा, वह आसमान में उड़ गई और साक्षात माता दुर्गा का रूप ले ली। उन्होंने कहा कि कंस, तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे तो मारने का बहुत दूर की बात है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। इस तरह से कृष्ण जी का जन्म हुआ और फिर कृष्ण जी के द्वारा कंस का वध हुआ। इसीलिए इस दिन कृष्णा जन्माष्टमी मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से वृंदावन गोकुल धाम में इस पर्व को मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी आपको मेरा कथा पसंद आएगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी के साथ फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।